नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। आज हमारे पास एक 32 इंच का एंड्रॉयड टीवी आया हुआ है, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा और उसमें किस तरीके से हमको उसको ओके करना है सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। साथ में अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहें। चलते हैं वीडियो। आज हमारे पास एक 32 इंच का एंड्रॉयड टीवी आया है, जिसमें प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले जैसे ही हम इसको लाइट देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिएगा एंट्रिंग रिकवरी सिस्टम ये लिखा हुआ आता है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट ट्राई अगेन, इस तरीके से एंड्रॉयड रिकवरी का जो सिस्टम है वो बना हुआ आ जाता है। और इसमें आप रिमोट से ट्राई करते हैं तो ये जो फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन है, ये भी कई बार आपसे नहीं हो पाता है, रिमोट इस पर कई बार काम नहीं करता है। और किस तरीके से आपको इसको ओके करना है वो सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कई दोस्त हमारे क्या करते हैं कि ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है किसी बोर्ड में या किसी एलईडी में, तो वो लोग इसमें सॉफ्टवेयर कर देते हैं, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। कई बार अगर आपका सॉफ्टवेयर है जो वो गलत होगा तो आपका जो सेट है वो डेड हो जाता है, या कई बार रिमोट चेंज हो जाता है, कई बार रेजुलेशन चेंज हो जाता है, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं जब आप इसको अपडेट करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक सरल उपाय बताऊंगा, बहुत ही इजीली वे बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरीके के टीवी को ओके कर सकते हैं। सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा बोर्ड लगा हुआ है और कौन सा पैनल लगा हुआ है, सारी डिटेल आप लोगों को बताता हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों ये वाला एक एंड्रॉयड बोर्ड इसमें लगा हुआ है, VS SP 35822, ये इसके अंदर एंड्रॉयड बोर्ड लगा हुआ है, जो 512 4GB का बोर्ड है। और इसमें BOE का पैनल लगा हुआ है, जो कि आजकल के टीवीज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे BOE का, यहाँ पे आप नंबर पैनल का देख सकते हैं, ये इसका टिकोन लगा हुआ है, तो दो कोफ का ये पैनल है। ये पैनल ज़्यादातर टीवीज़ में आपको देखने को आजकल मिलेगा। तो ये इसमें अंदर बोर्ड है जो 512 और 4GB के अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको या तो आप पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने आप लोगों को शेयर किया है, बताया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैसे इसको आपको ओके करना है, इस रिकवरी सिस्टम से बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक कंप्यूटर का कीबोर्ड, जो नॉर्मल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो केबल है वो USB टाइप होनी चाहिए। कई पुराने जो कीबोर्ड आते हैं उसमें जो सॉकेट है अलग रहती है, तो इसमें आपको देख सकते हैं USB टाइप का केबल होना चाहिए। और सिंपल कीबोर्ड आपके पास अगर है तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आपका रिमोट जो है वो भी वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो कीबोर्ड है हमको USB के स्लॉट 1 में लगा लेना है यहाँ पे, और हमको टीवी को पहले ऑन करना है। मैं आप लोगों को टीवी को सीधा करके पहले बताता हूँ। ये मैंने कीबोर्ड जो है वो लगा दिया है, इसमें टीवी को हमको ऑन कर देना है, और कीबोर्ड हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड में नीचे ऊपर राइट लेफ़्ट राइट आप बटन देख सकते हैं। तो हमको यहाँ एरो से नीचे आना है फैक्ट्री डाटा रीसेट पे, यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट पे हमारा जो कर्सल है वो आ गया है। इसके बाद हमें कीबोर्ड का जो इंटर बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर, इसको प्रेस करना है। यहाँ पे टीवी में आप देखिए नो और यस का ऑप्शन आएगा, तो हमें यस पे आना है नीचे फिर से एरो से, यहाँ पर फिर से हमको इंटर डालना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इरेजिंग का, जो फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन है वो काम करेगा, फैक्ट्री रीसेट आपका जो टीवी है वो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर भी रेड हो गया है, तो आपका ये जो सिस्टम है वो रिकवरी में चला गया है, रिकवरी डाटा रीसेट जो हो रहा है, आपका टीवी
रीसेट होके फिर से ऑन होगा। अगर ऑन नहीं होता है तो आप रिमोट से भी इसको ऑन कर सकते हैं और आपका जो टीवी है वो बिल्कुल नए सिस्टम में चला जाएगा, बिल्कुल नया जिस तरीके से आपने टीवी ख़रीदा है उस तरीके का ये टीवी हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको इस तरीके से रीसेट करने में आपका क्या बेनिफिट है, एक तो आपका रिमोट सेम रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, आपका रेजुलेशन सेम रहेगा, आपका जो टीवी है वो डेड नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर क्रैप डालते हैं तो आपका टीवी डेड होने की गुंजाइश रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली आप सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से आप अपने टीवी को इस तरीके से ओके कर सकते हैं। आपका टीवी फिर से यहाँ पे रिस्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेता है जब आप दोबारा से उसको रीसेट करते हैं रिकवरी के बाद, उसके बाद आपका टीवी जो है वो उसी फंक्शन में ऑन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका जो टीवी है, ये हमारा जो टीवी है ये ऑन हो गया है, बिल्कुल वही फंक्शन रहेंगे, वही रिमोट आपका काम करेगा सारी इस तरीके से आप बहुत इजीली इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो रिमोट इसमें पहले काम करता था वही रिमोट जो है वो वर्क करेगा। इस तरीके से कोई भी टीवी अगर आपके पास आता है तो आप इस तरीके से इसको बहुत ही इजीली रिकवरी मोड में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।